नैना जोड़ी बहुत स्पेशल है, स्पेसिफिकली मेरे लिए बिकॉज मैं सिंगर हूँ, और इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज पहली बार मैं और करण इसमें हैं, और यू नो चार्ली इज़ लुकिंग फैंटेबुलस, एंड स्पेसिफिकली मेरी मतलब मैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, ऋचा दीदी, उनका है गाना, सो आई कांट से एनीथिंग मोर बिकॉज मेरे लिए डबल बोनस है, मेरा पति भी उसमें है और मेरा हार्ट भी उसमें है। नैना जोड़ी हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज जैसे डियाने का ऋचा जी का सॉन्ग है, जो कि उनके सॉन्ग में फीचर होना बहुत बड़ी बात है, और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि उस गाने में उसके जो बोल हैं वो दिल को छू जाने वाले हैं। और जब हमें पता लगा कि इस गाने से मींस एक दिन पहले ही मुझे कॉल आया कि ओके करण ऐसा ऐसा है और ऋचा यू वांट यू टू बी इन दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने दो तीन बार ही कंफर्म किया, मैंने कहा ओके इज इट मतलब पक्का 100% मजाक तो नहीं कर रहे हो? एंड देन दे सेड नहीं करण मजाक नहीं है। तो आई वाज शूटिंग एंड देन लेट नाइट मैं 2 बजे करीब पहुँचा और रात में ही चीज़ें लॉक हुई और अगले दिन हम शूट पे थे। बड़ी चीज़ ये थी कि हम दोनों पहली बार स्क्रीन में एक बारी साथ मींस साथ में आ रहे हैं, तो वी बोथ वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड एवरीवन बिकॉज हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क पुट अप किया है, हम लोगों ने तो बहुत कम, बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट अप किया है। एम्पलीफाई टाइम्स जिन्होंने इस गाने को इतना जान डाली है, सार जिन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, चार्ली ऑफ कोर्स एंड एवरीबडी यू नो दे हैव गिवन द 100%। सो गाइज प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ यू नो be with the song and we want in this song to be the number one on the chart. Yes, all the very best. Thank you. हाँ जी और कुछ? मेरी कास्टिंग तो बड़ी अजीब थी क्योंकि चार्ली एंड करण दे वर लॉक्ड ऑलरेडी, फिर लास्ट मोमेंट पे उनकी कोई एक मॉडल थी वो नहीं आ पाई किसी वजह से, तो सब लोग भैया का मुझे फ़ोन आया भाई करण के साथ तुम आने वाली हो, ओके फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अच्छा मुझे कैमियो यू नो बिकॉज मेरा 10 सेकंड का ही काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने मुझे लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन ऑब्वियसली ऋचा दीदी है तो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट डू इट, मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है यू नो कि एक लेजेंडरी के साथ गाना भी हो गया, स्क्रीन शेयर भी हो गया और साथ में मेरा पति भी है। थोड़ा चलेगा भाई, हिल जाएगा बहुत ज़्यादा, हिल हम लोग ऐसे आ रहे हैं। अभिषेक
मतलब मैं पिक्चर के लिए पॉइंट आज तो कम से कम हाउ आर यू राइट वो बाद में होगा अभी के लिए तो आ जाएगा। मित्रों आज मैं नहीं सॉरी पहले तो मैं ऋचा जी के बारे में बात करना चाहूँगा। ऋचा जी हमारी बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत देश की बहुत बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और उनकी आवाज़ सुनने को जो हमें मिलता है ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। पूरे देश ने उनकी आवाज़ को चाहा है और वो मतलब अपनी आवाज़ को एक इंडिपेंडेंट तौर पे रिलीज़ कर रही हैं एज अ सॉन्ग। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। नैना जोड़ी बहुत खूबसूरत गाना है, वीडियो भी बेहद खूबसूरत बनाया, मतलब हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है और बस यही चाहूँगा कि आप सब ये गाना सुनें, ये वीडियो देखें और जितना हो सके आप इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा काम है, लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। थैंक यू। ओके थैंक यू रिचा मैम, जब भी इशारा करेंगी हम उनके साथ में गाना करेंगे। मैम वो मैम उनके वर्ड्स हैं। हमने पिछले एक दो साल पहले ही रूल बनाया था कि एक दूसरे को मैम और सर और जी करके नहीं बुलाएंगे, रिचा और विशाल बुलाएंगे। बट उनके फ़न के लिए जो रिस्पेक्ट हमारे दिल में है उनके उसके हिसाब से मैम तो बनता ही है। बट शी इज़ रियली कूल और बहुत अच्छी दोस्त है हमारी और कभी कभी ऐसे ही मिलते हैं गप्पे मारने के लिए, तो गाने तो होते रहेंगे, बिल्कुल बेशक होते रहेंगे। थैंक यू। बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं बचपन से ही इस जॉनरा के लिए गा रही हूँ और यही काम मुझे सुहाता और भाता है। ओके फाइन, वंस अगेन नैना जोड़ी के लिए आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड टुडे बिकॉज इट्स लॉन्चिंग, ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, सो आई एम सो हैप्पी। मैं बचपन से इसी जॉनरा के लिए गाती आ रही हूँ और मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले मुझे इस तरह की गायकी में देखना पसंद करते हैं। दो आई सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग, चाहे वो बिल्लो रानी हो, चाहे सजदा हो, चाहे वो रब्बा हो, बट ये जो जॉनरा है एक सूफी जॉनरा, इसमें दे वेट कि ऐसा कुछ मैं लोगों के लिए प्रेजेंट करूं, बट ऐसा
फिल्मों में पॉसिबल नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं होता है. नॉर्मली जो सिचुएशंस होती हैं मूवीज़ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग गाना बनता है और फिर हम लोग उसको गाते हैं. बट अब अच्छी बात यह है कि हम लोगों का, हम सबके लिए कि अभी सिंगल, सभी सिंगर लेकर आ रहे हैं. तो ये मेरा तीसरा सिंगल है, जिसमें कि दो तो सूफी लास्ट ईयर मैंने जोगी किया था और दिस ईयर नैना जोड़ी. सो एवरीबडी लविंग इट. और वीडियो में भी बहुत मेहनत की है, जय वर्मा उन्होंने डायरेक्ट किया है और म्यूज़िक दिया है. वेरी टैलेंटेड न्यू बैंड कॉल सार, और इसमें एक्ट बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट ने किया है, चार्ली चौहान, टियारा एंड करण शर्मा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एम्पलीफाई टाइम्स, जो कि म्यूज़िक लेबल है हमारे गाने का, वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को बहुत प्रमोट करते हैं और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ही रिलीज़ करते हैं, जिसके एमडी हैं हमारे वरुण गुप्ता. सो हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, आज लॉन्च हो रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं. तो रॉयल लग रही हूँ, इसलिए नहीं कि लग रही हूँ, यहाँ से रॉयल हूँ. मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि इतना ज्वेलरी पहनना पड़ेगा, बिकॉज मैं ज्वेलरी बहुत बहुत कम यूज़ करती हूँ, खाली स्टेज परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम. बट पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला नहीं आपको, मैं एक छोटा सा पहना था तो दे सेड नहीं थोड़ा और पहनो, डायरेक्टर ने बोला. सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कोई प्रिंसेस हूँ मैं और इतना अच्छे से मुझे पैम्पर किया जा रहा था. आई हैड रियली ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग. नहीं, ये सिंगल है और एम्पलीफाई टाइम्स म्यूज़िक लेबल से रिलीज़ हुआ है और पीटीसी पंजाबी, पीटीसी चकदे और भी बहुत से चैनल हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं और यूट्यूब पे एम्पलीफाई टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा. बाकी पीटीसी पंजाबी और चकदे पे वो दिन में 30-40 टाइम्स प्ले कर रहे हैं. बॉलीवुड में मुझे अभी मुझे ही नहीं, मुझे लगता है किसी आर्टिस्ट को पता नहीं होता. एक नया ट्रेंड है, जैसे यूट्यूब पे गाने ट्रेंड होते हैं, एक बॉलीवुड का नया ट्रेंड शुरू हुआ है. तो मेरा एसोसिएशन तो लकीली सभी के साथ बहुत अच्छा है, बट आई गेस कि सभी का एक दौर होता है. जैसे कि मैं 20 साल से, मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. अभी उतना जैसे कि पहले होता था, क्योंकि नए लोग भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, तो सबको गाना चाहिए, नॉट ओनली रिचा शर्मा. सो आई एम हैप्पी फॉर देम एंड आई एम वेटिंग फॉर माई गुड सॉन्ग्स टू बी रिलीज, जो मैं ऑलरेडी गा चुकी हूँ. सो लेट्स सी कि लोगों को अब मेरे गाने कैसे लगते हैं. सो आई एम वेटिंग. थैंक यू. जी अच्छा, कितने नैन ना जोड़ी. बहुत ही खूबसूरत नंबर ऋचा ने चुना है और सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ मेरी छोटी बहन को, जो मेरी मतलब बेटी जैसी होती हैं. जब आप गुरु होते हैं तो आपके ये बच्चे हो जाते हैं, तो इस चीज़ को मुझे अच्छा लगता है कि जब वो कुछ अच्छा नया करती है. और बहुत ही प्यारा पिक्चराइज किया गया है एम्पलीफाई म्यूज़िक को. बहुत बहुत इस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से. और जी जी ऑफकोर्स, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आऊँगी, बहुत जल्दी आऊँगी नज़र, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अभी ये गाना आया है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुने और इसे सुन के आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है ये फिल्म म्यूज़िक नहीं है, ये हटके है. और मैं तो इससे जुड़ी रही हूँ इतने साल तक, और फिल्म म्यूज़िक तो मैंने 95 से शुरू किया. उससे पहले से जो मैं गा रही थी वो तो यही सब गाया मैंने, मैंने खुद पहले ये सब नंबर्स गाए हुए हैं. और जहाँ तक की बात है, अब इसकी रिवायत फिर से शुरू हो गई है, फिर से इस तरह के गाने आ रहे हैं
एक ट्रैक बनाया जाता है जिसको पिक्चराइज किया जाता है और वो पब्लिक तक पहुंचता है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. उसको पूरी तरह से उसकी वीडियो और वो सब पे काम करके और अच्छी तरह से लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है, तो विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड स्टार्ट. जी सब कुछ, वो तो हर चीज़ का ही होता है, नुकसान फ़ायदे हर चीज़ के होते हैं. लेकिन ये है कि हाँ, आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो हमारे वक्त में नहीं था. लेकिन हाँ, अब ये समझिए कि इतने सालों के काम के बाद आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, तो उसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा हम लोगों को भी उसकी तरफ जाना पड़ रहा है. और अच्छी बात है, एक अच्छी स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है. और अब ये कब तक एक्टिव है और कब तक क्या कुछ नया, कुछ और, कुछ ऐसा कुछ, यू नो, बदलाव भी होता रहता है. कैसे शुरू हुआ था मुझे याद है, हम लोग रिकॉर्ड्स हुआ करते थे पहले, और तरह के रिकॉर्ड्स थे, फिर मसाले वाले रिकॉर्ड थे, फिर उसके बाद अलग तरह के रिकॉर्ड आए, फिर रिकॉर्ड के बाद कैसेट्स आनी शुरू हुई, कैसेट के बाद सीडीज आई, सीडीज के बाद डीवीडीज और ये और वो, और अभी तो मतलब एकदम से सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू होने लगा है, विच इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ बिग चेंज. थैंक यू कौशल, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. लॉन्च के लिए सुपर सुपर एक्साइटेड है हम लोग, और ये सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा नया डायरेक्शन है. ये इट वाज अ फोक सॉन्ग विच बिकेम अ पार्ट ऑफ अ फ्यूजन ट्रैक, जो हम लोग का एलिमेंट है रॉक. हम लोग वी प्ले विद अ बैंड कॉल्ड 93 एंड स्टार, तो हम लोग मोस्टली रॉक परफॉर्म करते हैं, और हमारा एल्बम भी अभी लॉन्च हुआ था, विच इज़ टेन सॉन्ग ऑल ओरिजिनल एल्बम. सो दिस इज़ द फर्स्ट कोलैबोरेशन हमारा द सूफी लेजेंड ऋचा शर्मा के साथ में. And from the first point onwards, हमको पता था कि this is going to be something very big and the next level. And independent music के लिए this is a revelation. I'm very happy with how the song is performing. And I'm sure there is like lot more to come from our end and from the, you know, from the record label Amplified Times. There are so many artists who are like working with us now. And I hope you all would like love the track, and let's see how it performs. That's it. आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेरी फेवरेट दीदी, फेवरेट सिंगर, हम सबकी चहेती का आज गाना लॉन्च करने हमारे हैं. आई एम श्योर के जितनी बार भी हम उनके गाने सुनते हैं, पुराने हो नए हो, बहुत ही वर्सटाइल सिंगर हैं, चाहे सूफी गाना गवा लो, गज़ल गवा लो, भेंट गवा लो, पंजाबी गवा लो. सो आज हम सारे इनको सपोर्ट करने आए हैं. आई एम श्योर के जितने भी इनके फैंस हैं वो सारे बहुत खुश होंगे. और मैं और एक बताना चाहूँगा कि 18 शोज करने जा रहे हैं यूएसए में. आज तक हिस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट के 18 शोज नहीं हुए, तो आई गेस ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 18 शोज शी इज गोइंग फॉर द वर्ल्ड टूर. एंड माय बेस्ट विशेस टू ऋचा जी एंड इनके पूरी टीम. वेल, आई वुड लाइक टू से कि बहुत मेरे जान पहचान में एक अकेला ऐसा आर्टिस्ट है जो सच में प्रैक्टिकली बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है. वो किसी भी मामले में हो, किसी की मदद करनी हो, चाहे वो गाने के लिए सपोर्ट करना हो, ही इज़ ऑलवेज सबसे आगे. और खुश मिजाज, मन बिंदास पर्सनैलिटी, दैट्स किंग मीका सिंह. आई एम सो हैप्पी यू केम. थैंक यू. मीका सर, आपको पर्सनली ऋचा मैम के ऐसे कोई एक सॉन्ग जो बहुत ही पसंद है? कोई भी गाना ले लो यार,
माही वे सबसे बड़ा हिट है, और उसके अलावा एक इनका एक सूफी गाना जोगी, अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो बहुत ही कमाल गाना उन्होंने गाया, अपने स्टाइल में गाया, और पूरा वेस्टर्न म्यूज़िक है और फ्यूजन म्यूज़िक है, सिंगिंग क्लासिकल है, म्यूज़िक पूरा वेस्टर्नाइज है। सो हम सभी इनको सुनते रहते हैं, और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बचपन से सुनते आते हैं, हम एक साथ ही इस फील्ड में आए हैं बिल्कुल, एंड बहुत सारे हमने शोज करे हैं, लेकिन जब भी ऋचा जी परफॉर्म करते हैं शी इज़ द नंबर वन। सोशल मीडिया पे क्या ठीक इनके लिए? बिल्कुल, मेरी मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज है, एंड आई एम श्योर कि आप सभी को गाना अच्छा लगेगा, और अच्छी बात है कि गाना लॉन्च करते ही पूरा वर्ल्ड वाइड इनका गाना लॉन्च हो रहा है, इट्स ट्रेंडिंग ऑन 20 ऑन यूट्यूब, एंड 18 शोज हो रहे हैं इनके कनाडा में एंड यूएसए में, सो आई एम श्योर कि वहाँ भी जो फैंस हैं इनके इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट ऋचा जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर दो लाइन हो जाए अगर गाने के तो मिलकर, अगर हम लोग दोनों साथ गा लेते हैं दमादम मस्कल अंदर, एक लाइन गा लेते हैं, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबास कलंदर, ओए दमादम मस्त कलंदर अली शाबास कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। थैंक यू थैंक यू यार, और आपके साथ फोटो ना सबके साथ, विशेष दे दिए यार, मुझे कोई लेना नहीं, फिलहाल आप मेरे पे फिल्म बनाओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी 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 जी, नहीं फिलहाल मैं सिर्फ म्यूजिक के लिए आया हूँ, उसके बाद में बताऊँ। थैंक यू शैतानी की ट्रेनिंग मैं दी थी, चलिए शुरू कर लीजिए शानी जी, हमारे हमारे सबसे स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट बेस्टेस्ट शान शान दादा, बहुत खूबसूरत गाना है, मैंने तो ऑलरेडी ट्वीट भी कर दिया सुनकर देखकर वीडियो, और जितनी अच्छी की आवाज़ तो है हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार एक्टिंग भी उतनी ही इंटेंस और कमाल की हुई है, वो जो हाँ खून और आपने आपने सब मैंने तो देख लिया, बहुत कमाल है, मेरे डायरेक्टर ने करवाया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी रिच एंड वेरी पॉश, हाँ देखिए एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट द सेल्फी, यस जी जी जी, नहीं आई थिंक ये वक्त ऐसा ही, आप जैसे जैसे हम लोग एक वक्त था जैसे यू नो हमारे साथ मिका है, ही इज रियली द पायनियर ऑफ क्रिएटिंग योर ओन म्यूजिक, क्रिएटिंग योर ओन हाइप, क्रिएटिंग योर ओन स्टाइल, तो आई थिंक बस अब हम सब लग पड़े हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट बैक टू बैक काफ़ी सिंगल्स और काफ़ी अच्छे वीडियोज बिचारे बनाई है, और मुझे खुशी है कि ये मेरे बुलाने पर मेरा मुझे इतनी खुशी होती है सपोर्ट करने आते हैं, मुझे बहुत रिचा से और ना भी बुलाएं तो आ जाते हैं, ऐसी बात है, हम सभी आपके फैन हैं, थैंक यू मिका, मैं तो इन दोनों का फैन हूं, हम तुम्हारे फैन हैं बिल्कुल, हम तुम्हारे गाना और पर्सनैलिटी के स्पेशल फैन, पर्सनैलिटी बिंदास, आवाज की भी पर्सनालिटी वही तो अलग ही, वो तो बोलता है मेरे 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 जैसा कोई है ही नहीं, आज वाकई आई एम द नंबर 1, आई थिंक ही इज जस्ट सीधा लैंड किए होंगे, जस्ट लैंड, हां कल आया हूं दिल्ली में, और कल यूएसए से आया हूं, अभी जेट लैग पूरा है, लेकिन ऋचा जी के लिए नो जेट लैग, एंड वो भी बड़ा है, हेट जेट लैग, चलो लेट्स गो भाई, थैंक यू, लेट्स पार्टी, हां तीनों फोटो फोटो चलो, देखो यार विकास साहब, विकास साहब, विकास साहब, ये पूरे गया ना यार, अमेजिंग आइडिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो गाना इतना खूबसूरत है बिल्कुल इनके जैसा, ये अच्छी बात कही बिल्कुल, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू एसोसिएट विथ सच अमेजिंग पीपल एंड एस्पेशली ऋचा जी, और मज़े की बात यह है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई सिंगर का गाना बहुत हिट हो जाता है तो दूसरा सिंगर उसको अपने कॉन्सर्ट्स में गाता है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ नया हुआ, अमेजिंग स्टोरी, श्रुति का गाना रंगी पर रोड़ आवे, ये गाना इतना सुपर हिट है, लोग आज भी, अभी तो गरबा चल रहे हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैंने उस गाने को गाया नहीं,
मैंने उसको कोरियोग्राफ करवा के खुद परफॉर्म किया और इनको वीडियो भेजी तो ये हेल गए, कहते ये क्या हो रहा है। सो ये एक नई अमेजिंग स्टोरी रही हमारे और अब ऐसा हो गया कि वो गाना मैं जब मेरा खुद का गाना सुनती हूँ तो मुझे इनका डांस परफॉर्मेंस ही याद आता है। सो क्रेडिट गोज टू हर सॉन्ग एंड हर वॉइस। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।